हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑडियो फाइल से बैकग्राउंड नॉइस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने आपको कहा होगा कि अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप एक अच्छा माइक खरीद लीजिए, इसमें बैकग्राउंड नॉइस कम होती है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि किसी भी ऑडियो फाइल से, चाहे वो आपने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की हो, चाहे लैपटॉप के माइक से, या आपने किसी और माइक से रिकॉर्ड की हो, उसमें से बैकग्राउंड नॉइस को कैसे रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी वीडियो बना रहे हैं और उसके साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले 2 या 3 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोले। इससे कंप्यूटर को ये समझने में आसानी होती है कि बैकग्राउंड नॉइस है कौन सी, और हमें उसे को रिमूव करना है पूरी ऑडियो फाइल से। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले एक छोटे से सॉफ्टवेयर ऑडासिटी का की आवश्यकता होगी। इसके आपको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप AUDACITY ओडासिटी आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे ओडासिटी, तो इसमें सबसे पहले ओडासिटी की टीम की वेबसाइट होगी, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए, ऑडासिटी मैक के लिए, विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑडासिटी फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, मैं इंस्टॉलर प्रेफर करूँगा आपको। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। ये देखिए, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको उसे ओपन करना है। ये देखिए, अब मेरी दोस्तों ये वो वाली फाइल है जिसके अंदर बैकग्राउंड नॉइस है। मैं इसे आपको पहले प्ले करके बताऊंगा और उसके बाद इसकी बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे, और फिर मैं आपको इसे प्ले करके दिखाऊंगा। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, एक बार इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। हेलो दोस्तों, ये वो डमी रिकॉर्ड है जिसमें से हमें बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर अभी बैकग्राउंड नॉइस है। दोस्तों, इसके अंदर अभी बहुत कम बैकग्राउंड नॉइस है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा भी बैकग्राउंड नॉइस होता तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि ये हमारा बैकग्राउंड नॉइस है, क्योंकि यहाँ से हमने बोलना स्टार्ट किया है। तो इस बैकग्राउंड नॉइस को हमें रिमूव करना है। इसे सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद आपको इफेक्ट्स में जाना है। इसके बाद यहाँ पे नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको जैसी सेटिंग्स से रहने दीजिए एडिटिंग, ये बहुत ही अच्छी सेटिंग्स से होती है। इसके बाद आपको गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ आकर आपको डबल क्लिक करना है। अब ये हुआ क्या कि हमने पहले नॉइस को डिटेक्ट किया है और उसके बाद पूरी ऑडियो फाइल में से ही नॉइस को डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद वापस हम इफेक्ट्स में जाएंगे, नॉइस रिडक्शन पे जाएंगे। अब आपको ओके दबाना है, लेकिन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, रेजिड्यू और रिड्यूस का। आपको रिड्यूस पे क्लिक करना है, इसके बाद ओके। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर नॉइस थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है। देखिए, अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये वो डमी रिकॉर्ड है जिसमें से हमें बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना है। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने इसकी बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर लिया है। दोस्तों, इस ऑडियो के अंदर बैकग्राउंड नॉइस कम थी, इसलिए पहले टाइम में ही रिमूव हो चुकी है। लेकिन अगर आपके ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी ज़्यादा है तो ये 2 या 3 बार में इजीली रिमूव हो जाती है। वैसे ही फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से रिमूव हो सकती है। दोस्तों, अब हमें इस फाइल को इम्पोर्ट करना है, क्योंकि हमें ये फाइल MP3 फॉर्मेट में चाहिए या वेब फॉर्मेट में चाहिए, जिससे कि हम इसे किसी वीडियो के साथ ऐड कर सकें। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, वेब फॉर्म में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं।
आपको इन सभी की लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना होगा। अभी हमने वेवफॉर्म की लाइब्रेरी फाइल इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड आती है, तो आप प्लेस सेलेक्ट करेंगे, कोई नाम इसको दे देंगे। मैंने नाम दिया है फाइल विदाउट बैकग्राउंड नॉइस। अब इसे सेव कर लेंगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये वो डमी रिकॉर्ड है, इसमें से हमें बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना है। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप जान चुके हैं किसी भी ऑडियो फाइल से बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे रिमूव करना है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी कोई और भी देख पाए या किसी और को भी इस वीडियो के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।